आशीर्वाद लेना है तो ब्राह्मण को दो, वह श्रेष्ठ है। गालियां देना है तो ब्राह्मण को दो क्योंकि वह सज्जन है, कुछ नहीं बोलेगा। भीख देना है तो ब्राह्मण बेचारे को दे दो, वह दलिद्र है। जमीन कब्जा करना है तो ब्राह्मण का कब्जा करो क्योंकि वह कमजोर है। हत्या करवाना हो तो ब्राह्मण शार्प शूटर चाहिए क्योंकि वह माइंडेड होते हैं। एनकाउंटर करवाना हो तो ब्राह्मण पुलिस अधिकारी चाहिए क्योंकि वह बोल्ड होते हैं। मुकदमा लड़ना है तो सबसे महंगा वकील ब्राह्मण को लाओ, वह मुकदमा जीत जाएगा। इलाज करना है तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ब्राह्मण से चाहिए, वह आखिरी समय में भी मौत को जिंदगी में बदल देता है। सरकार गिराना है तो ब्राह्मण को बुलाओ, काम हो जाएगा। सरकार बनाना है तो ब्राह्मण को बुलाओ, वह सारी व्यवस्था संभाल लेगा। प्रदेश चलाना है तो उसे मुझे ब्राह्मण प्रमुख सचिव चाहिए क्योंकि वह विश्वसनीय और योग्य हैं। देश चलाना है कानून बदल दो, लेकिन हमें पर्सनल सचिव ब्राह्मण मिश्रा चाहिए, वे अकेले सब देख लेंगे। बॉर्डर पर बहुत टेंशन हो तो जोशी जी ब्राह्मण को कमान दे दो, वो सब ठीक कर देंगे। कश्मीर जल रहा हो तो ब्राह्मण डोफाल जी को रिपोर्ट करो, शांति हो जाएगी। चीन ने हमें घेर रखा है, कोई बात नहीं, यस जयशंकर ब्राह्मण को बताओ, वो पूरी दुनिया की सेना लाकर चीन को घेर देंगे। चीनियों को पीछे हटाना है तो डोफाल जी से मीटिंग फिक्स कराओ, चीन अपने घर में टपक जाएगा। फिर चुनाव आता है, ब्राह्मण विदेशी हैं, इन्हें इस देश से भगा देना चाहिए। ब्राह्मण ने हमारे समाज पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब हम ब्राह्मण बात खत्म कर देंगे। फिर चुनाव बीत जाता है तो सरकार चाहे कांग्रेस, बसपा, सपा या भाजपा की बने, प्रशासन ब्राह्मण के हाथ में ही रहेगा। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ ब्राह्मण हैं, इसलिए कि हम योग्य, विश्वास पात्र और भारत माँ के प्रेम करने वाले, राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तित्व हित की बलि देना हमेशा से जानते हैं। जय भगवान परशुराम।